मैं एक बहुधर्मी और सेक्युलर परिवार से आता हूँ। मेरे पिता हिंदू हैं जबकि माँ मुस्लिम थी। मेरे निजी दस्तावेजों को ट्विटर पर डालना अपमानजनक है। ये मेरे परिवार की निजता का उल्लंघन है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के झूठे हमलों से मैं आहत हूँ। ये शब्द हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगे हैं। समीर वानखेड़े की जांच में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा है। ये तो अब जांच का विषय है कि क्या वाकई समीर वानखेड़े ने रिश्वत ली है या नहीं। मगर किसी भी अधिकारी की निजी जिंदगी को सार्वजनिक करना कितना सही है दोस्तों। मुंबई क्रूज ड्रग मामले की जाँच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कर रहे हैं। इस मामले में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल में हैं। समीर वानखेड़े पर अब गंभीर आरोप लग चुके हैं। उन आरोपों पर उन पर आंतरिक जांच भी बैठा दी गई है। उनको दिल्ली तलब किया गया है जहां संभव है कि उनसे बातचीत की जा सकती है। मगर अब यहां पर एक सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार अभी जब इस मामले की जाँच की जा रही थी क्या तभी उन पर ये आरोप लगाए जाने थे। समीर वानखेड़े ने मीडिया को जारी किए अपने पत्र में लिखा है कि मेरे पिता श्री ज्ञानदेव कचरू जी वानखेड़े साल 2007 में पुणे में एक्साइज विभाग से बतौर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। मेरे पिता एक हिंदू हैं और मेरी स्वर्गीय माँ जहीदा एक मुसलमान थी। मैं एक कंपोजिट द्विधर्मीय और सेक्युलर परिवार में पला बड़ा हूँ। मुझे इस बात का गर्व है। मैंने साल 2006 में डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी की थी और साल 2016 में आपसी रजामंदी से हमने तलाक लिया था, जिसके बाद साल 2017 में मैंने क्रांति दीनानाथ रेडिकर से शादी की थी। वानखेड़े ने कहा कि मेरे और मेरे परिवार से जुड़ी हुई चीजों को जानबूझकर ट्विटर जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। ये मेरी फैमिली की निजता के लिए खतरनाक है। इसके अलावा मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश मंत्री नवाब मलिक की तरफ से बीते कुछ दिनों से लगातार की जा रही है, जिसकी वजह से मैं काफी तनाव में हूँ। बता दें कि आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को खुद को फंसाए जाने और गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है। उन्होंने रविवार को मुंबई पुलिस प्रमुख को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें खुद को फंसाए जाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मांगी है। वानखेड़े ने मुंबई पुलिस प्रमुख को पत्र लिखकर कहा है कि उनके खिलाफ सम्मानित हस्तियां द्वारा जेल और बर्खास्तगी की धमकी जारी की गई है और अज्ञात व्यक्ति उन्हें झूठे मामले में फंसाने की योजना बना रहे हैं। दरअसल उनकी इस चिट्ठी को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की हालिया टिप्पणी के संदर्भ में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वानखेड़े एक साल के भीतर अपनी नौकरी खो देगा और हमारे पास उसके फर्जी मामलों के सबूत हैं। इस केस की जांच में लगे जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप अब खुद एनसीबी के एक गवाह प्रभाकर सेल ने लगाए हैं। प्रभाकर का कहना है कि उसने एक अन्य गवाह किरण गोस्वामी को 18 करोड़ रुपए की डील की बात करते सुना और ये भी सुना कि इसमें से 8 करोड़ रुपए वानखेड़े को दिए जाएंगे। एनसीबी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इसके साथ ही खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि एनसीबी जोनल हेड समीर वानखेड़े की जान को भी खतरा है। नवाब मलिक के समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट को पब्लिकली जारी करने पर भी उनका गुस्सा फूटा। इसे लेकर समीर वानखेड़े ने कहा है कि मुझे अपने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर नवाब मलिक के एक ताज़ा ट्वीट के बारे में पता चला है। ये उन सभी चीज़ों को लाने का एक घटिया प्रयास है जो इस सबसे असंबंधित हैं। मेरी माँ मुस्लिम थी तो क्या वो मेरी मृत माँ को इस सब में लाना चाहते हैं? मेरी जाति और पृष्ठभूमि को सत्यापित करने के लिए वो आप या कोई भी मेरे मूल स्थान पर जा सकता है और मेरे परदादा से मेरे वंश का सत्यापन कर सकता है, परंतु उसे ये गंदगी इस तरह नहीं फैलानी चाहिए। मैं ये सब कुछ कानूनी रूप से लड़ूंगा और अदालत के बाहर इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। आखिर में हम समीर वानखेड़े जी से कहना चाहेंगे कि हम सब देश की पूरी जनता आपके साथ है सर। आप बिना डरे बेखौफ होकर ईमानदारी से अपना काम करिए और इस गंदगी को साफ करिए। हम सब आपके साथ हैं और आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हम पीएम मोदी से भी समीर वानखेड़े की सुरक्षा बढ़ाने की अपील करते हैं। क्या आप इसमें हमारा साथ देंगे दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और समीर वानखेड़े का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आर्यन खान केस को लेकर आया तूफान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। एनसीबी इतनी आसानी से बॉलीवुड को छोड़ने वाली नहीं है। आर्यन खान के बाद अनन्या पांडे और अनन्या पांडे के बाद दो और स्टार किड्स पर मुसीबत आती साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तो एनसीबी ने अनन्या के फोन और अन्य गैजेट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है
और एनसीबी को पूरा शक है कि फोन की डिटेल में बहुत कुछ सामने आएगा। वहीं बात करें अनन्या पांडे की, तो पूछताछ में अनन्या ने एनसीबी को बहुत कुछ ऐसा बता दिया है जिससे आर्यन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ सेलिब्रिटी स्टाफ भी फंस गया है। जी हाँ, अनन्या पांडे से बार बार एक ही सवाल किया गया कि आखिर उनके पास ड्रग्स कहाँ से आया, वो कैसे आर्यन से कह रही हैं कि वो गांजा अरेंज करवा देंगी। एनसीबी ने अनन्या से ये पूछा कि और किस किस तरीके की ड्रग्स अनन्या ने आज तक खरीदी है और आर्यन को दी है। अब अनन्या ने पहले दिन तो इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, मगर दूसरे दिन अनन्या को समझ में आ गया कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एनसीबी सब कुछ जानती है। एनसीबी को सब कुछ पता है, वो सिर्फ उनके मुंह से सच उगलवाना चाहती है। लिहाजा अनन्या पांडे ने न सिर्फ अपने बारे में और आर्यन के बारे में बल्कि सेलिब्रिटी स्टाफ के बारे में भी बहुत कुछ बता दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अनन्या ने पूछताछ में बताया कि वो वीड की सप्लाई के धंधे के किसी भी व्यक्ति से पर्सनल टच में नहीं है, बल्कि उनका एक दोस्त है जो मांगने पर इसे अरेंज करवा देता है। अनन्या ने बताया कि आर्यन के कहने पर उन्होंने केवल दो बार ही अपने दोस्त से वीड देने के लिए कहा था। उस दोस्त ने अपने हाउस स्टाफ यानी कि अपने नौकर के जरिए अनन्या तक ये ड्रग्स भिजवाया था और अनन्या ने भी अपने हाउस स्टाफ यानी नौकर के जरिए ही इसे कलेक्ट किया था। और बाद में जब वो आर्यन से मिली तो उन्होंने इस सामान को आर्यन खान को दे दिया था। अनन्या का कहना है कि उन्होंने उस पैकेट को खोलकर भी नहीं देखा कि इसके अंदर क्या है। अब अनन्या के ये सब बताने के बाद एनसीबी की टीम तुरंत हरकत में आ गई और एनसीबी की टीम ने हाथों हाथ उस हाउस स्टाफ को समन भिजवा दिया और एनसीबी दफ्तर बुला लिया। एनसीबी ने उस हाउस स्टाफ यानी कि उस नौकर से भी 3 घंटे तक पूछताछ की और उसका फोन भी सीज कर लिया गया। इसी दौरान शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी एनसीबी दफ्तर में अफरा तफरी के साथ पहुंची। पूजा ददलानी के हाथों में कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स थे। अब माना जा रहा है कि एनसीबी का अगला निशाना सेलिब्रिटीज के स्टाफ भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के जरिए ड्रग्स मंगाई जाती है और भिजवाई भी जाती है। एनसीबी के करीबी सूत्रों की माने तो टीम ने आर्यन खान मामले में एक्ट्रेस अनन्या पांडे को सरकारी गवाह बनाने की भी पेशकश की है। हालांकि सामने आया है कि एक्ट्रेस अनन्या ने एनसीबी की इस पेशकश को ठुकरा दिया है। वो सिर्फ बार बार इतना ही कह रही हैं कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। चैट की बात को लेकर भी अनन्या ने सिरे से खारिज किया है। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि अनन्या और आर्यन बेहद करीब रहे हैं, बचपन से साथ रहे हैं। अनन्या आर्यन के कई ऐसे राज हैं जो जानती हैं और एनसीबी का मानना है कि ये एक्ट्रेस इस केस में उनके लिए सबसे मजबूत कड़ी बन सकती है।